वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के हाथों में बरकत होती है और कभी कभी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी उस वरदान को छीन नहीं पाती। रति भार्गवा उन लोगों में शामिल हैं जिनके हाथों में बरकत तो है ही, साथ ही दिल भी सोने का है। किसी भी बेजान कैनवस में एक जीती जागती दुनिया उकेर देना रति का शौक है और रंगों में जिंदगी भरना उनका हुनर है। हमारी आज की लाइफ चैंपियन रति भार्गवा। मेरा नाम रति भार्गव है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग करना तो मेरा बचपन से शौक रहा है। मेरे पास फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है। आपको अगर पेंट करना आता है तो आप कहीं भी पेंट कर सकते हो, दीवार हो, लकड़ी हो, पेंट हो, ग्लास हो, कहीं भी कर सकते हो। ये एक जरिया है जिससे मैं अपने को खुला छोड़ सकती हूँ, जहाँ पे जो मेरी इच्छा होती है मैं करने को, मेरा मन करता है जो मैं करती हूँ उसमें। आई एम सफरिंग फ्रॉम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि ये बीमारी बचपन में आता है लोगों को। मुझे ये बीमारी 50 साल से है। नॉर्मली क्या होता है, ये धीरे धीरे बंद हो जाता है, डिफॉर्मिटीज़ रह जाती है लेकिन दर्द वर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये आज भी डिजीज़ मेरे में एक्टिव है। 7 ईयर्स की थी, उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद अचानक उसको एंकल में स्वेलिंग आ गई, तो वो स्वेलिंग आ गई तो उससे डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन करने के बाद वो गलत हो गया, लेकिन 10 साल की उम्र में मेरा सर्जरी हुआ एंड उसके बाद तो फिर नॉन स्टॉप हो गया था, वो चलता रहा। सर्जरी के टाइम में भी मैं बहुत डर गई, क्योंकि जो भी इलाज करती थी तो हाथ दर्द तो उसको ठीक लगता, फिर एकदम उल्टा हो जाता था। वो सर्जरी के बाद इमिजिएटली मेरे वो नीज पे आ गई, तो एंकल से फिर वो मेरे नीज 3 महीने के अंदर आ गए, फिर एक नीज से दूसरे नीज से एल्बोज से फिंगर्स, रेस, शोल्डर, एक एक करके सब अफेक्ट हो गए। ईच एंड एवरी जॉइंट इन माई बॉडी इज अफेक्टेड, और ऊपर से क्या, मेरा मुँह भी नहीं खुलता ज़्यादा। तो उस ज़माने में ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं था सिवाय स्टेरॉइड्स देना और पेंसिलिन इंजेक्शंस, और मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता था। इंजेक्शन लगते मैं तो हिस्टेरिकल हो जाती थी, खूब रोती थी, क्योंकि जब बैठती थी तो उसकी आँखें यो करती रहती थी। जब मैं 21 साल की थी ना, तब मैं कम्प्लीटली हाउस बाउंड हो गई। सर्जरीज इतनी हुई है कि अगर सब सर्जरीज को एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो मेरा पोस्टमार्टम हो जाता है। शी इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप एंड शी टॉट मी हाउ टू कुक, सो आई हैव बीन बेथिंग हर एंड चेंजिंग हर एंड लाइक टेकिंग केयर ऑफ हर। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन लाइक दिस टू बी इन द हाउस एंड अ फैमिली मेंबर टू बी सो हेल्पफुल, बिकॉज इट जस्ट मेक्स देयर लाइफ अ लॉट इजियर। दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस रूम हैज समथिंग और द अदर विथ हर। It's like she's approved everything in my room before it's actually gotten up. जब मैं खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे 2 मिनट लगता है एंकल्स को स्टेडी करने में, क्योंकि वो बॉडी वेट लेकर दर्द होता है। I've known her from the day I was born. Starting from art and painting, my creativity comes from her. All the way to now, where she's, you know, been so motivational. She's always has this smile and this positive energy around her. आपकी सोच जहाँ बंद होती है, वहाँ मेरी वहाँ से शुरू होती है। Necessity is the mother of invention. हम सब बहुत कुछ चीज़ें जो हमको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। जैसे मेरी चम्मच है, मुझे खाना है, खुद खाना है, तो मेरी चम्मच इतनी बड़ी है जितनी बड़ी है छड़ी है। ये मेरी छड़ी है, इससे मैं, मेरा हाथ का ये एक्सटेंशन है, मैं हर काम अपनी छड़ी से करती हूँ। ये छड़ी मेरी साथी है, मैं जहाँ भी जाती हूँ इसके साथ लेके जाती हूँ। ये मेरा हाथ है, एक्चुअली मेरे पास एल्बोज नहीं है, तो ये मेरा सब काम करती है, जैसे सामान को खिसकाना यहाँ से वहाँ, अगर दूर हो तो मेरे पास लाना। It's very important for me to do this every morning because Ratidi believes you must always look very presentable and you must always look great. हाँ, मुझे painkiller रोज खाना पड़ता है क्योंकि दर्द मुझे पूरा दिन रहता है, तो इसलिए मैं रात में खाती हूँ, तो at least रात में चैन से सो जाऊँ थोड़ा।
She's strong. There's nothing she doesn't do. Okay, whether it's fashion, whether it's travel, whether it's movies, eating, best places, she is there. She is everywhere. Aircraft mein jaati hu to mera cushion saath mein jata hai to seat meri high ho jati hai. And fir this is the best time to helpless madam ban jana chahiye. Sara mehnat kuli un log se kaam karana chahiye. तो भगवान स्ट्रॉन्ग बना ही देता है सब तरफ से अकल आ गई कि कोई किसी का नहीं है खुद पे खड़े रहो होता है तो ठीक है नहीं होता तो भगवान पे छोड़ दो हमेशा बचपन से पूछता है कि तुमने कभी पूछा नहीं भगवान से कि मुझे ही क्यों ऐसा बनाया ऐसे पूछने की क्या जरूरत है मुझे बनाया है तो बनाया है अभी छोड़ दो ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था कि अगर हमको दर्द होता है और अगर हम रोते हैं तो हमारा दर्द 10 गुना बढ़ता है मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हंसते रहो दर्द कम होता है बेटा तो आपको जीना है तो पॉजिटिविटी हमेशा अपने साथ होनी चाहिए नेगेटिविटी को बाय बाय बोलो भगवान से बड़ा कोई आर्टिस्ट है ही नहीं दुनिया में वो जो कॉम्बिनेशन करते हैं ना आह मज़ा आ जाता है